मंडी जिला के जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है वहां प्रत्याशियों की जीत का फैसला कर्मचारियों का बोर्ड तय कर सकता है। मंडी जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यह जिला सरकार बनाने में हर बार अपनी अहम भूमिका निभाता है। अभी तक के जो सर्वे सामने आए हैं उनके अनुसार अधिकतर सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के कांटे की टक्कर बताई गई है। ऐसे में दोनों दलों के नेता सिर्फ पोलिंग बूथों पर हुए मतदान को लेकर ही गुणा भाग में जुटे हुए हैं, जबकि पोस्टल वैलेट का गुणा भाग अभी पहुंच से दूर है। मंडी जिला में 16,978 कर्मचारी मतदाता हैं, जिनमें से 10,023 सिविल कर्मचारी जबकि 6,955 डिफेंस कर्मचारी हैं। अभी तक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 7,122 सिविल कर्मचारियों की और 2,945 डिफेंस कर्मचारियों के वोट पोस्टल वैलेट के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं, जबकि बाकी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट आने का क्रम लगातार जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मदन चौहान ने बताया कि यह प्रक्रिया 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 18 दिसंबर को सुबह से मतगणना का कार्य शुरू होगा। मदन चौहान के अनुसार अभी तक पोस्टल बैलेट का अभियान काफी सफल रहा है और करीब 15,000 पोस्टल बैलेट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो सबको मिला के 10,023 हमने सिविल साइड के ऑफिशियल्स को दिए हैं और 6,955 जो है वो आर्मी पर्सनल्स को भेजे हैं। टोटल 16,978 पोस्टल बैलेट जो है गए हैं, जिसमें से 9,892 पोस्टल बैलेट हमें रिसीव हो चुके हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी हमारे यहां पे जो है पुलिस, हमारे जिला हेडक्वार्टर पे पुलिस पर्सनल जो ड्यूटी पे थे वो आजकल वोटिंग उनकी चली हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से वोट हमें आर्मी पर्सनल के और यहां पे हमारे भी आ रहे हैं, क्योंकि वोटिंग जो है वो 17 तारीख तक चल सकती है, तो उम्मीद है कि लगभग 14,000 और हो सकता है 15,000 वोट भी जो है हमें प्राप्त हो, और काफी सक्सेसफुल जो है हमारा ये पोस्टल बैलेट का ऑपरेशन रहा है इस इलेक्शन में। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन और पुलिस ने ईवीएम को कड़ी निगरानी और सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है। सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों को अलग अलग स्ट्रांग रूम में रखा गया है। एसपी मंडी अशोक कुमार की माने तो ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 टीयर का सुरक्षा चक्र बनाया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों का प्रावधान भी किया गया है। स्ट्रांग रूम है, उन स्ट्रांग रूम में 3 टीयर का हम लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम किए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी स्ट्रांग रूम्स हैं उसमें सीसीटीवी लगाए गए हैं अंदर और बाहर दोनों जगह, तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड पुलिस और जिला पुलिस के साथ साथ उनको सीसीटीवी से भी मॉनिटर किया जा रहा है।